स्टूडेंट्स टर्म वन फिनिश हो गया है। अब हम जो है टर्म सेकंड की तरफ चल रहे हैं, यानी कि टर्म सेकंड की जो स्टडी है वो स्टार्ट हो चुकी है और हम भी आज टर्म सेकंड का क्लास ट्वेल्थ मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि क्लास ट्वेल्थ में कितने चैप्टर हैं, यानी कि टर्म सेकंड का सिलेबस जो है उसमें कौन से चैप्टर हैं और उनका वेटेज क्या है। तो देखेंगे, हम देखिए सिलेबस है क्लास ट्वेल्थ का, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 एंड 13। ये चैप्टर हैं जो आपके थर्ड सेकंड टर्म सेकंड में आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें तीन चैप्टर जो है 7, 8 और 9, ये पार्ट है कैलकुलस का। कैलकुलस यानी कि इसका जो आपने कुछ पार्ट, यानी चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो कैलकुलस के पार्ट थे वो आपने टर्म सेकंड में पढ़ा है, और ये तीन चैप्टर जो है वो टर्म सेकंड में है। और इन तीनों का जो वेटेज है, इनका वेटेज है वो 18 मार्क्स है, यानी कि ये आपको टर्म सेकंड में 18 मार्क्स का मिलेगा। अब ये दो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D। अब ये दो चैप्टर जो है इनका जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम में वो 14 मार्क्स का है, और प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो 8 मार्क्स का, यानी कि टोटल जो इसका आपका होगा ये 40 मार्क्स का होगा जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है। और 10 मार्क्स का जो होगा आपका, इसमें 10 मार्क्स का इंटरनल होगा आपका, जो इंटरनल एग्जाम होना आपका उसके होंगे 10 मार्क्स, यानी कि टोटल जो टर्म सेकंड है वो 50 मार्क्स का है, ठीक। और आज हम देखिए इसकी स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 मैथ की। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक इसका इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या है? देखिए, इंटीग्रल को पढ़ने के लिए आपको जो आपने चैप्टर नंबर 5 और 6 में जो पढ़ा है वो आपको सही से याद होना चाहिए। जो डेरिवेटिव का आईएनटी आपने लर्न करी थी या उस पर जो एप्लीकेशन किए थे वो आपको सब अच्छे से आने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को इंटीग्रल को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इंटीग्रल में इसका एक टॉपिक डिलीट हो गया। देखो, दो पार्ट है इंटीग्रल के, इसके इंटीग्रल के दो पार्ट होते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट, और सेकंड पार्ट जो है इसका वो डेफिनिट का है, डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। अब डेफिनिट इंटीग्रल से जो सिलेबस डिलीट हुआ है उसमें से एक टॉपिक डिलीट हुआ सिर्फ सम ऑफ लिमिट, यानी कि डेफिनिट में जो है हम सम ऑफ लिमिट का यूज करके, लिमिट ऑफ सम का यूज करके इंटीग्रल फाइंड करते थे, ये टॉपिक जो है वो डिलीट हुआ है। इनडेफिनिट में कुछ डिलीट हुआ है। तो हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। ओके, हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव एक ही बात है, यानी कि इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इससे आपको कुछ ऑब्जर्व करने होंगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब यह हुआ कि डेरिवेटिव का अपोज करना, यानी कि उल्टा। जैसे कि मैं कोई फंक्शन लेता हूं, मैं सिंपल एक फंक्शन लिया, मैंने डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर साइन एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको मिलता है वी गेट कोस एक्स। ओके, इफ वी इंटीग्रेट कोस एक्स डी एक्स, अगर कोस एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा देन वी विल गेट साइन एक्स, हमें साइन एक्स मिलेगा, ठीक। अच्छा, एक फंक्शन देखिए, इसी को फिर से चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, साइन इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5, अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद वी गेट कोस एक्स। अब इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं इस कोस एक्स को इंटीग्रेट करूं तो मुझे साइन एक्स प्लस 5 मिलना चाहिए। अब देखिए, इंटीग्रेट करते हैं इसको कोस एक्स डी एक्स को, वी विल गेट हियर साइन एक्स, बट आपको 5 नहीं मिला। इसके लिए आप एक कॉन्स्टेंट नंबर सी यूज करोगे। अगर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो उसमें आप कॉन्स्टेंट सी जरूर यूज करोगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में, ठीक है। अच्छा, अब एक इस तरह से एक और लेता हूं। देखो, जैसे हम करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन को जब डेरिवेटिव करेंगे, एक्स की पावर एन को डेरिवेटिव करते हैं तो ये बनेगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूं एन एक्स की पावर एन माइनस 1, इंटीग्रेट करेंगे तो दिस फंक्शन विल बी एन एक्स की पावर एन माइनस 1 1 प्लस हो जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में एन माइनस 1 प्लस 1 प्लस सी, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, इस एन से एन कैंसिल,
वी विल गेट हियर एक्स की पावर एन, यानी कि जो फंक्शन को जिसको हमने डिफरेंशिएट करना था वही मिल गया। तो देखिए इस डिस्कशन से ये क्लियर होता है कि इंटीग्रल जो है वो एंटी डेरिवेटिव है, यानी किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं वो इंटीग्रल कहलाता है। अब इसमें कुछ फंक्शंस हैं जिनको डिफरेंशिएट किया गया, डिफरेंशिएट करेंगे उनको, फिर उनका इंटीग्रल देखेंगे, यानी कि जो आइडेंटिटीज आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ी है उन्हीं को हम आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स की पावर एन हमें मिलेगा। मैं x की पावर n को इंटीग्रेट करूं, x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट हियर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसी तरह से देखिए इन पर्टिकुलर d अपॉन dx ऑफ x, अगर x का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 मिलता है। इसी तरह से अगर मैं 1 को किसी भी कांस्टेंट नंबर को मैं इंटीग्रेट करूँ तो मिलेगा x प्लस c, यानी कि c कांस्टेंट हमें वेरिएबल मिल जाएगा। साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव करते हैं कोस एक्स आता है, और कोस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट साइन एक्स प्लस सी। कोस एक्स को डेरिवेटिव करते हैं, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट माइनस कोस एक्स प्लस सी। इसी तरह से टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट टेन एक्स प्लस सी। एंड कोट एक्स, कोट एक्स का, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट हियर माइनस कोट एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा सेक एक्स प्लस सी। इसी तरह से कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और इसको कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट कोसेक एक्स प्लस सी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और उनके इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि इनवर्स फंक्शन देखते हैं। इनवर्स फंक्शन का एक डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखिए इनवर्स फंक्शन देखते हैं, इनवर्स फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगा यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वी विल गेट हियर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह से कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो नेगेटिव आता है माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फंक्शन को देखिए माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वी विल गेट माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। कोट इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, कोट इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन माइनस के वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर कोसेक इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन,
अब इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस के वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस। अब देखिए इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखता हूं मैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो ई की पावर एक्स ही मिलता है, और मैं ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करूं ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस सी, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा ई की पावर एक्स प्लस सी होगा। ओके अब लॉग एक्स देखिए, मैं लॉगरिथमिक फंक्शन देखता हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ वन अपॉन एक्स को लॉग एक्स प्लस सी, यानी कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग एक्स प्लस सी होगा। आप देखिए एक फंक्शन और देता हूं, देखिए मैं 16 नंबर दूंगा उसको, मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, आपने इसका डेरिवेटिव पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में ए की पावर एक्स लॉग ई, अब इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा यानी कि ए की पावर एक्स लॉग ई ए डी एक्स, इसका डेरिवेटिव इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वी विल गेट ए की पावर एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन जो मिलेगा हमें ए की पावर एक्स प्लस सी होगा। ठीक है तो कुछ डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट किया फंक्शन को मैंने, फिर उनको इंटीग्रेट करा, कुछ आइडेंटिटीज आई। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते चले जाएंगे वो नई नई आइडेंटिटीज आते जाएंगी, उनके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। अब देखिए चलते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रल्स की 7.1 एक्सरसाइज देखते हैं, और उससे पहले करने से पहले आपको जो आईडी मैंने लिखवाई है इनको अच्छे से रन कर लें और इनको एक बार लिख के देख लें। ओके नाउ गो टू एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 7.1 में देखिए पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ इंफेक्शन, यानी कि मेथड ऑफ इंफेक्शन का यूज करके जो फंक्शन गिवन है यानी कि 1 से 5 तक एक्सरसाइज में 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमें मेथड ऑफ इन्फेक्शन यूज करना है, उनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो पहले आप वो फंक्शन सर्च करो जिसका डेरिवेटिव साइन टू एक्स है। ठीक है तो फंक्शन क्या होगा, यानी कि अगर साइन जो डेरिवेटिव बनता है वो कोस का बनता है, अगर कोस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँ साइन बन गया था, तो इसी तरह से ये 2x लगा दीजिए तो ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस 2x। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे हम तो हमें मिलेगा माइनस साइन 2x इंटू 2, या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, इस 2 को मैं इधर लेकर आ जाऊं कि माइनस 1 अपॉन 2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस 2x इज इक्वल टू साइन 2x, यानी कि साइन 2x निकल के हमारे पास ही आ जाएगा। या इसको मैं एक स्टेप और बढ़ाता हूँ कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसको मैं अंदर लेके जाता हूँ माइनस कोस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x यानी कि एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज, यानी कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव जो होगा माइनस कोस 2x अपॉन 2, यानी कि साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा माइनस कोस 2x अपॉन 2। इस तरह से हम इस फंक्शन को का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे साइन 2x का बाय मेथड ऑफ इंफेक्शन। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है कोस 3x। अब इस कोस 3x का हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बाय मेथड ऑफ इंफेक्शन। तो मैंने आपको बताया था आप वो फंक्शन देखो जिसका डेरिवेटिव कोस 3x आता है, तो वो जो फंक्शन होगा वो साइन 3x है, साइन 3 यानी कि साइन x को मैं साइन x लिखता हूं कि साइन x को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे वी विल गेट कोस x, बट यहां पर x की प्लेस पर 3x है तो साइन 3x, यानी कि साइन 3x को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा, साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस 3x * 3, 3 को मैं इधर डिवाइड कर दूं 1/3 d / dx ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू कोस 3x,
या इसको अंदर लेकर चले जाएंगे हम वन अपॉन डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू कोस थ्री एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस थ्री एक्स इज, कोस थ्री एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो होगा वो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री होगा। ठीक है, इस तरह से हम मेथड ऑफ इंस्पेक्शन की हेल्प से ये एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे फंक्शन का। देखिए थर्ड क्वेश्चन करता हूं, थर्ड क्वेश्चन है e की पावर 3x। अब देखिए वो फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद e की पावर x मिले वो फंक्शन जो होता है e की पावर x ही होता है। e की पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x मिलेगा, बट पावर 3x है तो यहां 3 यूज कर लेंगे d अपॉन dx। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं e की पावर 3x * 3, 3 नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 3 d अपॉन dx ऑफ e की पावर 3x इज इक्वल टू e की पावर 3x, या इसको इस तरह लिख देंगे हम 1 e की पावर 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू e की पावर 3x। इट्स मीन दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 3x इज e की पावर 3x अपॉन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर इज, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है ए एक्स प्लस बी की पावर 2। अब देखिए पावर 2 है ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद पावर 2 बने, तो अब देखिए वही तरीका कि ए एक्स प्लस बी इसकी पावर 1 इंक्रीज कर दो क्योंकि डेरिवेटिव में एक पावर कम होती है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का होगा कंपोजिट फंक्शन है 3 ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव। देखिए बी का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, एक्स का 1, क्या मिलेगा ए, या ये 3 ए जो है मैं इसको धरने का आ गया 1 अपॉन 3 ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, या मैं देखिए इसको यहां लिखता हूं ये इसको बन के आ जाएगा, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये 1 अपॉन 3 ए जो है इसको इस तरह लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए एक्स प्लस बी अपॉन थ्री ए का अपॉन थ्री ए, एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन थ्री, यानी कि एंटी डेरिवेटिव जो होगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर का वो ये बन के आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब अपॉन थ्री। इस तरह से हम देखें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। अब हम देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए जैसे जैसे ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लिया कीजिए वन बाय वन, अगर आप नोट नहीं करेंगे तो फिर जो है उसको भूलते चले जाएंगे। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करें रेगुलर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं हम, इसको इरेज कर दें, इरेज करने के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे हम। अब सिक्स क्वेश्चन जो है उसमें हमें सिर्फ इंटीग्रल फाइंड करना है, वहां पर हमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज नहीं करना, सिर्फ फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, 6 से 20 तक जितने क्वेश्चन है उनका सिंपल इंटीग्रल फाइंड करना। देखिए फर्स्ट करते हैं, देखिए हम 4 e की पावर 3x प्लस 1 into dx। देखिए पहले इसमें हम एलजेब्रा यूज करेंगे, जैसे डेरिवेटिव में यूज करते थे ना कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं उनको डिफरेंशिएट करना है, तो इनको अलग अलग कर लीजिए पहले इनके इंटीग्रेशन। 4 e की पावर 3x into dx प्लस का 1 into dx, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx प्लस का 1 into dx। अब इंटीग्रेट करते हैं, देखिए 4 as it is e की पावर 3x, e की पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 3x अपॉन 3। देखिए ये अभी हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में भी किया था, e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन था क्या था, e की पावर 3x अपॉन 3 था, प्लस x का इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस c,
देखिए ये बस ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन करता हूं मैं, सेवन ये है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वन माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके लिए देखो एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के वन के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो वन मिलेगा हमें इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे, अब देखो डायरेक्ट मैं इसमें एलजेब्रा लगाने के इसके लिए अलग इंटीग्रेट करूं वन के लिए अलग, डायरेक्ट कर देंगे। देखिए अब x की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x प्लस c, यानी कि ये इंटीग्रेशन इसका फाइंड आउट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है सिंपल, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, बड़ा आसान। देखिए a कांस्टेंट नंबर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 प्लस का b x स्क्वायर / 2 प्लस का सी एक्स प्लस, अब देखिए सी यहाँ पर यूज हो गया, जो कॉन्स्टेंट यूज करेंगे हम कैपिटल सी यूज कर देंगे, इस तरह से हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखिए 9 आप करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 10 है रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका देखिए होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, पहले होल स्क्वायर देखो बिना होल स्क्वायर के भी हो सकता है, बट होल स्क्वायर एक्सपेंड करके करेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। अब होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे इसका, तो यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स मिल जाएगा, इसी तरह से ये वन अपॉन एक्स प्लस, अब इससे ये कैंसिल हो गया क्या बनेगा टू। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, देखिए अब देखिए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई टू प्लस वन अपॉन एक्स का लॉग x प्लस टू का करेंगे तो टू एक्स प्लस सी, यानी कि इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे ये मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब उससे पहले आप देखो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखिए इलेवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए ये रैशनल फंक्शन है, अब रैशनल फंक्शन के लिए हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, जैसे डेरिवेटिव में रूल था न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हम कि जो ये एक्स स्क्वायर है सारी टर्म्स के नीचे कर देंगे, यानी कि एक्स की पावर 3/x² या प्लस 5x² अपॉन x² माइनस का 4 अपॉन x², इस तरह से लिख सकता हूं फंक्शन को मैं। अब सिंपलीफाई करते हैं इसको, एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स होगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा माइनस का 4x की पावर माइनस का 2 इंटू डी एक्स। अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन होगा एक्स की स्क्वायर बाई 2 प्लस का 5x माइनस 4x की पावर माइनस 2, यानी कि 4x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, या ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5x। ये जो बनेगा इसको डिनोमिनेटर को सोल्व करूंगा माइनस का वन आएगा, वो इसको प्लस कर देगा 4, यह बनेगी एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी, यानी कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ये बन कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 यही करता हूं। देखिए आगे में क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्स की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। वो जिस तरह से मैंने इस 11 क्वेश्चन को सोल्व किया था, इस डिनोमिनेटर जो था उसको सारी टर्म्स के नीचे लिखा था, इसी तरह से मैं इसको सोल्व करूंगा एक्स की पावर 3। देखिए रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1 अपॉन 2
प्लस का 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर 1/2। अब देखिए इन पावर्स को सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए ये जो पावर होगी 1/2 3 में से माइनस होगी, यानी कि 3 - 1/2 सोल्व कर देंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो ये सोल्व करके बनेगा हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे x की पावर 5/2 प्लस। अब देखिए ये x की पावर 1 है, यानी कि 1 - 1/2 1/2 ये बन जाएगा x की पावर 1/2 प्लस का 4 x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे, देखिए इसको ये होगा x की पावर देखिए 5/2 प्लस 1 होगी, यानी कि 7/2 सोल्व करेंगे तो इसको x की पावर 7/2 / 7/2 प्लस इसी तरह से इसको करेंगे x की पावर 3/2 / 3/2 प्लस 4 ये आ जाएगा x की पावर 1/2 / 1/2 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और यह जाएगा 2x की पावर 7/2 / 7 प्लस 2x की पावर 3/2 / 3 प्लस ये 2 जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेगा 8x की पावर 1/2 प्लस सी। इस तरह से देखिए इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 भी रैशनल फंक्शन है। अब इसको देखिए ये x - 1 लीनियर फंक्शन बन के नीचे। अब इसको किस तरह करें, इसके लिए देखो तरकीब ये है कि क्यों ना हम न्यूमिरेटर के फैक्टर कर लें। इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम, तो बनेगा x - 1 प्लस यहाँ से मैंने 1 कॉमन लिया x - 1। अब डिनोमिनेटर में बनेगा x - 1 × dx। अब ऊपर से देखिए x - 1 यहाँ भी है, दोनों टर्म के साथ है, x - 1 कॉमन लेंगे, ये देखा x² + 1/(x - 1) · dx। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा, फंक्शन बन गया जाएगा x² + 1 · dx। आई थिंक आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन करेंगे हम। 15 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा, गिवन है 3x² + 2x + 3 · dx। अब देखिए रूट एक्स का मतलब क्या है, x की पावर 1/2, यानी कि ये मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर के साथ, यानी कि x की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी, यानी कि पावर्स ऐड करेंगे, यानी कि 1/2 + 2 5/2। तो इसको सोल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 5/2, इसी तरह से इसके साथ करेंगे 2x की पावर 3/2 और 3x की पावर 1/2 · dx। इसको इंटीग्रेट करते हैं 3x की पावर 5/2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो 5/2 + 1 यानी 7/2, डिनोमिनेटर में 7/2 आ जाएगा प्लस इसी तरह से इसको करेंगे 2x की पावर 1 प्लस करेंगे 5/2 / 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 / 3/2 प्लस सी 3 × 6/7 x की पावर 7/2 4/5 x की पावर 5/2 प्लस देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x की पावर 3/2 प्लस सी। इस तरह से देखिए इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 इज 2x² - 3sin x + 5√x · dx। देखिए एलजेब्रिक भी है फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 2x² इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो 2 तो एज इट इज x³ / -3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा वो -cos x + 5 x की पावर 1/2
एक्स की पावर वन बाई टू को जब इंटीग्रेट करेंगे, देखिए एक्स की पावर वन बाई टू है तो वन इसमें प्लस कर देंगे, वन अपॉन टू प्लस वन यानी कि थ्री बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस, सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए इसको टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, थ्री कोस एक्स प्लस फाइव टू जा टेन अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस थ्री, इस तरह से इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन है, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए इसको sec x को इंटीग्रेट नहीं करते, पहले इसकी sec के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लिकेशन कोई रूल नहीं है हमारे पास, तो पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, फंक्शन को सिंपलीफाई करेंगे, रहेगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। अब sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट यानी कि tan x को डिफरेंशिएट करते ही sec स्क्वायर x आता था, sec स्क्वायर x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो tan x आएगा, इसी तरह से sec x tan x, sec x tan x को tan sec x को डिफरेंशिएट करते हैं, sec x को डिफरेंशिएट करते sec x tan x आता है, sec x tan x को इंटीग्रेट करेंगे तो sec x आएगा प्लस c, इस तरह से इस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देखते हैं हम, 19 क्वेश्चन है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x इंटू dx, देखिए वही तरीका मैंने, ये रैशनल फंक्शन है, इसको भी सिंपलीफाई करो, ये cosec स्क्वायर x है वन अपॉन साइन स्क्वायर x, sec स्क्वायर x वन अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx, अब देखिए इसको ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा और cos स्क्वायर x यहाँ जाएगा, यानी कि फंक्शन बनेगा साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx और इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, अब tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको फंक्शन को फिर से ब्रेक करता हूँ, उसको sec स्क्वायर x में sec स्क्वायर x माइनस वन इंटू dx, अब sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन बनेगा tan x और x का वन का इंटीग्रेशन x प्लस सी, इस तरह से देखिए ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए दो तीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बीच में मैंने स्किप किए हैं, वो आपको जो है अपने प्रैक्टिस में खुद से करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतने रहने देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।